उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है, क्या कारण है? सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की। बीते 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप किया जाता है। उसके चार दिन बाद तक पुलिस कहती रही कि फर्जी खबर है, कोई भी गैंगरेप नहीं हुआ है और कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करती। दलित बेटी मौत और ज़िंदगी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। यही पुलिस बलात्कारियों और हमलावरों पर धाराएं दर्ज करने में 8 दिन लगा देती है, लेकिन लोगों ने जब हाथरस की बेटी के लिए आवाज़ उठाना शुरू की तो आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है और उनको मारा पीटा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आतंकी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आतंकी बेटी को न्याय दो, प्रदर्शनकारियों को पीटा जाता है, महिलाओं को घसीटा जाता है। अगर कुछ शर्म बची हो तो योगी जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़कर फिर से मंदिर पधार लो। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन कमाल है कि दलाल मीडिया में अब भी यूपी में जंगल राज नजर आ रहा हो। वाकई मीडिया मर गया है इस देश में। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हर दिन किसी न किसी जनपद में घट रही हैं और अपराधी और दरिंदे बेखौफ उत्तर प्रदेश में जी रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस जब एक डॉक्टर के खिलाफ योगी आदित्यनाथ NSA लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका विरोध करने की वजह से, लेकिन अभी तक ये चार दरिंदे जेलों में बंद हैं, इनके ऊपर कोई NSA और कोई गंभीर धाराएँ नहीं लगी हैं। चार दिन तक इनको यूपी पुलिस के द्वारा बचाया जाता रहा कि ये लोग बच जाएं, लेकिन लोगों के दबाव के बाद इन पर मुकदमा दर्ज किया गया और इनको जेल में डाला गया। लोग पूछ रहे हैं कि इन चारों दरिंदों पर NSA कब लगेगा, इनके घर पर बुलडोज़र कब चलेगा और इनके घर को कब ढाया जाएगा, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर दिन किसी न किसी घर पर बुलडोज़र चलवा रहे हैं, उनके घरों को तोड़वा दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी घटना पर चुप हैं। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों चुप हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये बयान सुनिए। ये बयान 2017 का है और वो उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में बेटियाँ क्यों सुरक्षित नहीं हैं। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए कि जब ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में हर दिन किसी न किसी जनपद में बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको दरिंदे नोच रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की माँ बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है, क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती है, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है। और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है,
गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भाइयों बहनों,